बन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो जय श्री राम बाली की त्रास तपिस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहार चौकी महामुनि शाप दिए सब चाहिए विचार विचार कैद जी रूप लिए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लीन गए सिय खोज कपीश जीवत ना बचे हम सोज बिना सुलाई पग धर फेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन दही सिया को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो कहीं समय हनुमान महाप्रभु जाए महा रजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सो आगे शोध प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो मन लगो Thank you.
श्री राम। ये जनरेटर वाले से और कैप्चर कॉल है, जनरेटर वाला पीछे लीजिए, गाड़ी गाड़ी पीछे लीजिए। ये अपना राधे कृष्ण मंदिर जी की सुबह की जो आरती होती है 6:30 से 7 बजे के बीच में आरती हो जाती है, और संध्या काल में आरती का समय 7:15 का है। तो आसपास के जितने भी सोसाइटी में हमारे बंधुजन है, सभी से मैं विनती करता हूँ कि जिस समय मंदिर में आरती होती है आप सब मंदिर की आरती में बना रहे। आप सभी से विनती है कि मंदिर की जब आरती होती है तो आप जरूर पधारें। वंदे आदरणीय बंधुओं और मेरी बहनों और माताओं, आज अक्षत कलश यात्रा के निमित्त हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस अक्षत कलश पूजन का जो योग आया है, जो संयोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हिंदुओं की 500 साल की लड़ाई और 3 लाख से अधिक हिंदुओं के बलिदान के बाद आज हम लोग इस दिवस पे यहाँ पे आने वाले 22 जनवरी हमारे आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी दीपावली जो मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के निमित्त आज हम सभी यहाँ हिंदू समाज उलवा का इकट्ठा हुआ है। आपको पता होगा कि प्रभु श्री राम
के समय वहां पे सूर्यवंशी राजाओं का शासन चलता था अयोध्या में। उनके बाद भी महाभारत काल तक ये राज जो था सूर्यवंशी राजाओं का चलता रहा। उसी के नाम पे सरयू नदी आज भी अयोध्या में बहती है। और उसके बाद मुगलों ने जो आक्रमण किए कई सालों तक, कई सदियों तक, मुगलों के आक्रमण के बाद भी हिंदू समाज जो कि शूर है, हम कमजोर नहीं है। हिंदू समाज कौन है? हम शूर है। हिंदू कमजोर है क्या? हिंदू 500 साल तक लड़ा, इसका मतलब हिंदू शूर है, लेकिन हम क्रूर नहीं है। हमने सामने से वार किया, सामने से लड़ाइयां लड़ी और आज इतिहास के उस दिन के हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 हर हिंदू के घर पे गया था मंदिर बनाने के लिए। हमने सभी से योगदान मांगा था। उस समय ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं था जिसने यथाशक्ति और यथा श्रद्धा योगदान न दिया हो। आप सभी को याद होगा कि 10 रुपए से लेके 10 करोड़ तक नवी मुंबई में लोगों ने दिए। आज आप सभी के उस योगदान से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के अंतिम टप्पे में है। और इसी निर्माण के, अयोध्या के जो मंदिर के शुभारंभ का नौता देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए अयोध्या से पूजित अक्षत चले हुए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के हर गली में, हर घर में जाने वाले हैं। प्रभु श्री राम का जो गर्भगृह है, जहां प्रभु श्री राम की बाल रूपी प्रतिमा की स्थापना 22 जनवरी को होने वाली है, वहां पे मंत्रित और पूजित अक्षत निकल के आज हमारे नवी मुंबई में आए हैं। और नवी मुंबई के हर नगर में, जैसे आज उलवे में है, ऐसे नवी मुंबई के हर नगर में, हर घर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक संघ परिवार के आपके पास आएंगे। श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के नाम से आप सभी के घर पे संकल्पित संकल्प हिंदू समाज का पीले चावल देके किया जाता है, ये हम सबको पता है। ऐसे ही पीले चावल जिनको मक्षत बोलते हैं, लेके हमारे कार्यकर्ता आप सभी के घर पे आएंगे। वो चावल लेने हैं और उस चावल की आप पुड़िया बना के अपने मंदिर में रख सकते हैं। और ये संकल्प लेना है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या गमन करना है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तो एक शुभ अवसर पे हम सभी समझिए कितने भाग्यशाली, हमारे जीवन का ये भाग्यशाली क्षण है। हमने अपने जीवन को धन्य कर लिया प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये शुभ अवसर हमारी आंखों के सामने जीते जी आ रहा है। आप सभी ध्यान रखेंगे और सभी हिंदुओं को इससे जोड़ेंगे। आज का ये अक्षत कलश यात्रा इसी के निमित्त की गई, भरभर के समर्थन दिया है। विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने कलश यात्रा निकाल के 2-2.5 घंटे से वो पैदल चलते हुए, और अनेक तकलीफें भी सहन हुई, लेकिन उनके मन पे, चेहरे पे किसी के भाव नहीं था, सबके चेहरे पे एक श्रद्धा का भाव था। बस एक बात मैं सभी हिंदू समाज को बोलता हूँ कि तिलक लगाने से और जय श्री राम बोलने से ही हम बचेंगे नहीं। हमको याद रखना है, अगर इस देश को भगवा करना है, इस देश को राम राज्य लाना है, इस देश में हम सभी को संगठित होना बहुत जरूरी है। और संगठित होने के लिए ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं, संगठन के माध्यम से उस सभी में हम सभी को सम्मिलित होना है, अपनी एकता दिखानी है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें रोड पे भी उतरना पड़े, तो हिंदू समाज को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे ही जो भी यहाँ पे आपके उलवे नगर में जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, सभी ने साथ में आना, अपनी एकता दिखाने की आवश्यकता है। जय श्री राम, भारत माता की। अभी प्रसाद की व्यवस्था है, उससे पहले सामूहिक हनुमान चालीसा की। सन्यासी बाबा की, सदगुरु भगवान की। सभी माताएं खड़ी हो जाओ, एवं सभी भाई, सभी लोग, माताएं बहने, सभी लोग खड़ी, इधर उधर नहीं जाना है, एक जगह पर खड़े हो जाइए। हनुमान जी महाराज, यदि आप आज हनुमान जी को पुकारोगे और आप हनुमान जी से जो मांगोगे आज तुम्हें वो मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, और देवता जितने धरी हनुमत से ही सर्व सुख करही। इसलिए देखो, और देवता तो जितनी बात में रखत, लेकिन हनुमान जी के पास तुम जाओगे तो तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। इसलिए सभी खड़े हो जाओ और बड़े भाव से हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
परिणो रघुवरी बिमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु ज्ञान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे करहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोके उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा नाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मोज चले साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंके जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे गाय सजीवन लखन जे आए रघुवीर हर्ष और लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहस बदन तुम रोज से गावे अश कहे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर कृपाल जहाते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुखी बह कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुगे सहस्त्र जोजन पर भानु दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते काम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ ते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नम निधि के दाता अश्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जन्म हरि भक्ति गहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छोटे मंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए से तुसा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप लखन सिया राम चंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की पादोश्वर धाम की सन्यासी भगवान की सन्यासी बाबा की दादा गुरु भगवान की बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन में हरी लाल की आज के आनंद की गुरु गोविंद की सनातन धर्म की नगर की सर्व संतों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने अपने बाप मतारी की अपने अपने दत्ता भाऊ की नमः पार्वती पते हर
रावण युद्ध अनाज कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भरो। आनि खगेश तब हनुमान जु बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट में।